अमृतसर के पिंड कालेकी की रहने वाली एक लड़की नूं मुंडा ना पैदा करना इन्ना महंगा पै गया कि उसके पति ने ही उसका कतल कर दिता और इस कतल नूं मौत दा नाम देने लई करोना का ड्रामा रच दिता। असल विच मृतका लवली ने विआह तो काफ़ी समा बाद एक लड़की नूं जन्म दिता सी जिस तों कि उसका पति बिल्कुल भी खुश नहीं सी। इसी विचाले मुड़ धीआं पैदा होने के शक विच दो बार उसका गर्भपात भी करवाया गया। फिर इस साल अप्रैल महीने लवली के सहुरे ने साजिश के तहत उसका कतल कर दिता और लोगों को कह दिता कि उसकी मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है। फिर जब लवली के संस्कार का समा आया तो उसके पेकियां ने शक प्रगटाउंदे उसके पोस्टमार्टम की गल आखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच यह गल साफ हो गई कि लवली का कतल किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के पति सासा के सहुरे विरुद्ध मामला दर्ज करके उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। ये मेरी सिस्टर पलविंदर कौर लवली जी, ये गुरनाम नगर न्यू गुरनाम नगर स्टैंड रोड उपर व्याई तजेंद्र सिंह के नाल व्याई हुई जी। तो ये सहुरे का नाँ कुलवंत सिंह आ, सास कश्मीर कौर दी, तो दोहरे दियोर ने रविंदर सिंह रवि और गुरप्रीत सिंह गोपी। और ये मेरी सिस्टर ना जो मेरी मैरिज 23/1/2011 की हुई, मेरी भैन की मैरिज आफ्टर कोई साल के बाद ही इन्होंने लोगों ने उन्होंने ना तंग परेशान करना शुरू कर दिया। पहला परेशान करने का कारण यह कि उसके घर जिहड़ा बच्चा वो देरी ने पैदा होया, बच्चा देर ने पैदा होने करके लोगों ने परेशान करना, ताने मैने मारने, फिर मार कटाई शुरू कर दी इन्होंने लोगों ने। तो फिर असीं उहदा इस दरम्यान मैं उहदा अपनी भैन का काफ़ी इलाज करवाया जी, डॉक्टरी इलाज करवाया। और डॉक्टरी इलाज दौरान चलो उहदा परमात्मा ने कृपा की, उहदे घर 5-6 साल बाद उहदे घर बेटी ने जन्म लिया जिहड़ी कि इस टाइम 4 साल की उम्र उस बच्ची की। और जब 4 साल की बच्ची हूँ 4 साल की जो बच्ची पैदा हुई घर, तो इन्होंने लोगों ने इस चीज़ को कहा भी जे देरी बच्चा पैदा होया तो और पैदा भी लड़की होगी। उस दरमियान इन्होंने होर उन्होंने ज़्यादा टार्चर करना शुरू कर दिता और हर समय बच्चा पैदा होने तो पहला भी मेरे को बार बार पैसे की डिमांड करते सन। तो मैं हर बार पैसे ना दे के भी मैं सोचा कि जो मेरी भैन का घर बसता है तो कोई गल नहीं, मैं उस चीज़ का भी एग्री होंगे रहा हर चीज़ ना। ब्याह भी इन्होंने डिमांडा कर करके पूरा मेरे को लिया, हर तरह का मैं दाज दहेज बाइक सोना सब कुछ दिता, हर चीज़ दी अपनी भैन जो बनती समाज ने वध के किया। और इस समय भी लड़की पैदा होने तो बाद भी इन्होंने होर ज़्यादा टार्चर करना शुरू कर दिता। और इन्होंने पैसे की बहुत भुख रखी है, बंदे ने दाज की हमेशा भुख रखी है। और एक लड़का पैदा ना होने करके उसके घर लड़की पैदा हुई, इस कारण करके उन्होंने होर ज़्यादा उन्होंने परेशान करते सी मेरी भैन। हुण लास्ट मूवमेंट के उपर भी इन्होंने ये जिहड़ा तजेंद्र सिंह है अपना वेरके विखे अपना मकान बना रहा जी, तो इस दरम्यान इन्हें मेरी भैन फिर मारकुट करके इन्हें घल्या कि आपके पेकियां दे कोलों 5 लाख रुपया लै गया। ठीक है, तो मैं इन्हू समझाया, चलो समझा भजा के टोरिया कि भैन अपनी फिर घलाया कि कोई गल नहीं मैं अरेंज कर दवा, जिन्हें मेरे को बाद समर्था होएगी तो मैं तेनों देवगा, दे जाऊँगा तेरे घर आके तेरे परौने, ठीक है, तेरे सास सहुरे दे जाऊँगा आके। तो इस दरम्यान कि मैं इनू पैसे पहुँचाने तो पहला मेरे उत्थे इन्हां लोगों ने तशद करके मेरी भैन नू कुट मार के उहदे गला कुट के उहदी हत्या कर दी 21 अप्रैल नू इन्हां लोगों ने, जिहदे विच मुख दोषी जिहड़े ने ये पहला भी ये 4 बंदे जिहड़े ने, इहदा पति, इहदा सास सहुरा और इहदा दियोर रवि जिहड़ा रविंदर सिंह रवि, ये पहला भी ही जदों भी इन्हों समझाया बजाया अपने परिवार से बह गए अपने च, तो उदों भी समझाया बजाया तो हमेशा जोड़े दोष ही ये 4 बंदे तो ही आते ही हमेशा परे बैठ के साड़िया परिवार भी हमेशा ये 4 बंदे ही ज़्यादा उन्होंने टारगेट करते सन, जो कि जेडे ये परिवार से बाकी 3 मैंबर रेंदे ने दोष उन्होंने भी आ भी परेशान करते सन, लेकिन ये लोग जोड़े ने कि इन कुटते मारते भी जो ज़्यादा ये लोग सन 4 बंदे। तो अज भी मेरी भैन की जी मौत का कारण जिन्होंने हत्या की इन 4 बंदे ने मुख तौर के उत्ते ये दोषी ने इन्हों ने, और जिन्हों के उत्ते मैं फिर FRI दर्ज करवा के 302 का मुकदमा और 34 नाल लगी आ। ठीक है, तो इन्हों मैं अफसर साहब न बेनती करूँगा अपने कमिश्नर साहब न और सारे पुलिस अमले के मुखियां कि मैनू इन दोषियों को वध तो वध सज़ा दी जाए, ईवन इन्हों कोई अधिकार नहीं इस इन्हों लोगों को भी जेडे औरत जात अत्याचार करके उन्होंने मेरी भैन का जो कतल किया, इन्हों लोगों समाज में विचरन की कोई भी अधिकार नहीं आ।
और मैं चाहना चलते सवासा तक ये लोग मरण तक जेल के ही रहने लोग इन्हों तो होर लोगों जेडे जिन्होंने यह बदकारियां करनिया ने यह करने ने उन्होंने कोई सोझी मिल सके और सोचन और डरन कि ये क्राइम यह अगे ना कि हो पाए समाज में। मैं बेनती करता कि अफसर साहबान सख्त तो सख्त कार्रवाई करके इन लोग दोषियों सज़ा देन और मेरी भैन की आत्मा इंसाफ हो साडे भी कोई जख्मों उत्ते मलम लग सके। सर जो मरी ही की क्या गया ये इन्होंने जो देखो जी इन्होंने जो इमीजिएटली जो डैथ हुई तो इन्होंने गली के भी निकल के हर पास इन्होंने यो रौला पाया ज़्यादातर कि कोरोना ना मर गई। देखो सर कोरोना ने कोई सड़न नहीं मरता पेशेंट कोई भी आ जो कोरोना होया कोई एविडेंस हों कोई टैसट कराई देने हॉस्पिटल दाखिल कराई दा वा सब कुछ हों पेशेंट क्यों रख घर आ रहे हैं है ना। तो जे इन कोरोना ही तो सूँ पहल दस्या फिर जो करोने तुम्हें क्या करोने मरी गई है तो मरी तो सू फोन कर दें जो करोने मर गई आ तो पहला क्यों नहीं तुम्हें दसा सूँ इस गल का भी इन करोना आया तो इलाज करा नहीं करा तो अं करा लीए असी एडमिट कराइए कोई यह गल नहीं है। जो कि इन्होंने करोना के नाल मरी साबित किया लेकिन जो कि डॉक्टरी पोस्टमार्टम रिपोर्टा के क्लीयर हो चुके भी यदा तशद करके इन्होंने मेरी भैन में और यदा गला दबा के यदि हत्या की इन्होंने इन्होंने इस सहुरे परिवार ने तो हूँ तो इन्हों मैटर झूठा बच चुका करोने वाला की क्योंकि हूँ तो सब कुछ डॉक्टरी रिपोर्ट क्लीयर हो चुका तो इस बुनियाद उत्ते 302 लग चुकी है ना चौंती लगी इन्होंने उत्ते 21/4/2020 सानू इतला मिली कि बलविंदर कौर जी लवली जी उसकी शक्की हालत मौत हो गई है अपने सहुरे घर जिस से पुलिस ने मौके पर पुज के वे जी 174 की कार्रवाई की जिसकी हम FSL तो रिपोर्ट आने तो बाद सू क्लीयर होया कि लड़की की जी मौत है वो गला घुटन करके हुई है जिसते लड़की के पिता हरदेव सिंह के बयान से मुकदमा नंबर 184 अधीन धारा 302 34 IPC दोषी कुलवंत सिंह और तजिंदर सिंह अरविंदर सिंह कश्मीर कौर ये चार दोषियों के खिलाफ असी थाना बी डिवीजन च मुकदमा दर्ज किया जी और साड़ी तफ्तीश जारी है असी इन्हों जिहड़ा वा मुकदमे दे विच तीन दोषियों गिरफ़्तार कर चुके हैं और बाकी तफ्तीश साड़ी चल रही है जी इस तों जिहड़ा वा बाकी मुकम्मल करके जे कोई होर भी दोषी इहदे च हैगा उहनूं जल्दी तों जल्दी गिरफ़्तार कर कारण की कारण लड़की के बाप के कहने मुताबिक कि उसकी जिहड़ी बेटी आ उहदे घर एक बेटी सी और लड़का ना होण करके उहदा परिवार उहनूं तंग करदा सीगा ते उस ही रंजिश दे विच उहदी बेटी नूं मार दित्ता है। असीं तफ्तीश कर रहे हैं जी और तफ्तीश तों बाद सारे जिहड़े सच सामने लिआ दित्ता जाऊगा।